भाग्यशाली होती हैं नवरात्र में जन्मी कन्या, माता रानी के इन नामों पर करें नामकरण। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। सनातन धर्म में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, यही कारण है कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसे में यदि नवरात्र के शुभ अवसर पर आपके घर में भी कन्या ने जन्म लिया है तो ये आपके लिए एक बेहद ही शुभ संकेत है। नवरात्र में जन्मे लड़के या लड़की दोनों का ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे बच्चे खुद तो भाग्यशाली होते ही हैं, साथ ही पूरे परिवार के लिए भी खुशियां लेकर आते हैं। ये बच्चे परिवार के मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, साथ ही नवरात्र में कन्या का जन्म लेना माता रानी की कृपा प्राप्ति का संकेत भी होता है। नवरात्र में जन्मी कन्याओं को बुद्धिमान माना जाता है। इन कन्याओं पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। ये आगे चलकर हर क्षेत्र में सफलता हासिल करती हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि नवरात्र में जन्मी बच्चियां आगे चलकर पूजा पाठ में अधिक मन लगाती हैं, या कहें कि वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। यदि आप नवरात्रि में जन्मी बच्ची के लिए माँ दुर्गा के ही नामों का चयन करते हैं तो इससे आपकी लाडली पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ऐसे में आप अपनी बिटिया के लिए कुछ नामों का चयन कर सकते हैं, जैसे कि अनीका, वराही, गौतमी, कमाक्षी, नियति, साध्वी, भवप्रीता, यति, उत्कर्षिणी, तपस्विनी और अनंता। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।